Hello. Hi everyone. We'll just wait for a few more people to join. Hi everyone, and thank you everyone for joining. Welcome to Amul Facebook Live. My name is Hina. I am from Delhi और आज मैं फिर एक नई रेसिपी आपके सामने लाई हूँ और आज हम बनाने वाले हैं नमक पारे, लेकिन इसमें भी मैंने एक ट्विस्ट दिया है. मैंने इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है. तो स्टार्ट करते हैं बनाना टाइम ना वेस्ट करते हुए. तो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? एंड स्टार्ट. हाय निधि, हाय रमेश, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. तो यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करती हूँ नमक पारे का आटा लगाना. तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑफ मैदा लिया है. विल जस्ट मिक्स अ स्मॉलर क्वांटिटी. तो मैं 2 फ्लेवर्स बता दूंगी. तो यहाँ मैंने लिया 1/2 कप मैदा. इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ अमूल प्योर घी. तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच घी और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा मोयन देंगे इसको. तो ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें और इसको हम अच्छे से रख करके इसमें मोयन दे देंगे. तो थोड़ा सा 1/2 कप से मैदा डालेंगे. ये 1/2 कप मैंने मैदा लिया है और इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच प्योर घी लिया है और उसको मैंने इसको रब करके इसको अच्छे से मोयन दे दिया है. और अच्छी तरह से हमें हर जगह पे इसको रब करना है कि अच्छे से क्रम्बली टेक्सचर का ये हमारा आटा हो जाए. घी सारा आटे में अच्छे से लग जाए. अब दिख रहे हैं अच्छे से मसल रही हूँ उसको. तो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है. अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट टू टेस्ट. इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. और आज जो हम बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर बना रहे हैं, मैं इसमें डालूंगी ऑरिगेनो का मसाला. जो हम पिज्जा सीजनिंग लेते हैं ना, आज मैं इसमें वो फ्लेवर दूंगी. तो ये मसाला मैं ऐड करूंगी. बच्चों को बहुत पसंद आता है, डिफरेंट फ्लेवर हो जाता है. अजवाइन वाले तो हम नॉर्मली वैसे भी खाते हैं. तो ये जो आप ऑरिगेनो वाला मसाला डालेंगे ना, इससे बहुत ही टेस्टी नमक पारे बनेंगे. और जो ये आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी स्नैकिंग के लिए डाल सकते हैं और बहुत पसंद करते हैं सब लोग इसको. तो यहाँ पर अब मैं पानी लूंगी और इसको मैं गूंथ दूंगी आटे को. तो यहाँ पर हमें बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है और एक हार्ड टाइप का हमें डो बनाना है. हमें सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, थोड़ा स्टिफ डो बनाना है. इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मैं और ऐड करूंगी. इसमें मैंने 2-3 बड़े चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है. इतना ही हमें इसमें पानी डालना है और मैं इसका टेक्सचर दिखा दूंगी आपको कि कैसा है. अच्छे से हम इसको मल के नीट कर लेंगे. यहाँ क्वांटिटी में थोड़ा इसलिए बनाती हूँ कि जल्दी से हमारा आटा बन जाता है उससे, क्योंकि ज्यादा गूंदेंगे ना फिर टाइम लगेगा बनाने में. और फिर मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई बोर ना हो, फटाफट से रेसिपी बन के रेडी हो जाए. बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है प्रोसेस को देखना. तो मेरा हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं सारे स्टेप्स दिखा पाऊं और ज्यादा टाइम भी ना लगे. तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन बनाते हैं तो बहुत क्विक हो जाता है.
या थोड़ा थोड़ा प्री प्रेप कर देती हूँ। तो इस तरीके से हमें डो बनाना है। मट्ठी का जो हमने डो बनाया था उससे थोड़ा सॉफ्ट ये डो बनेगा, लेकिन चपाती जितना डो जितना सॉफ्ट नहीं है, उससे थोड़ा हार्ड है। आप समझ लिए, पूड़ियों का जितना आटा रहता है ना हार्ड, उस तरीके का हमें इसमें डो बनाना है। मैं इसको अच्छे से मसल लूंगी और थोड़ा स्मूदन अप कर दूंगी, क्योंकि रेस्टिंग का तो हमारे पास टाइम नहीं रहता कि इसको रेस्ट करवाएं हम डो को। तो अगर आपके पास टाइम ना हो ना, तो आप इसको अच्छे से मसल ले, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ आटा रेडी हो गया और तो बेल लेंगे हम। यहाँ मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर देती हूँ, ये इसको हाफ पोर्शन में कट कर लूंगी मैं इस तरीके से। और अब इसको हम करेंगे रोल। यहाँ पर मैंने घी गरम होने रख दिया है ऑलरेडी, सेशन से पहले ही मैंने रख दिया था घी को गरम होने, तो इसका बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवरफुल ये हमारे नमक पारे रेडी होंगे। फिर आप इस नमक पारों को बच्चों को केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। हमें इतना थिक बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं। उसको हम स्ट्राइप्स में कट कर लेंगे। अगर टाइम हो तो आप इसको थोड़ी देर रेस्ट भी होने दे, रेस्ट करने दे डो को, और साथ में नमक पारों को थोड़ी देर के लिए हवा लगने दे, फैला के रख दे, तो उससे ये बहुत ही क्रंची बनते हैं। इस तरीके से स्ट्राइप्स काट के अब आप इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दें। इसको मैं बीच में से कट कर लूंगा। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम है, पर घी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया तो मैंने बंद कर दिया है। अभी मैंने गैस बंद कर दिया, अब हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल क्रंची हो जाए। अब हम एक बैच को बनाएंगे एयर फ्रायर में। इसको मैं
बस ये होता है थोड़ी देर रेस्ट करने देते हैं ना, तो ये खुरदुरा सा कट रहा है ना वो बिल्कुल स्मूथ कटेगा अगर हम उसको रेस्ट करने देंगे लोगों को। तो यहाँ जो हम नमक पारे बना रहे हैं आज हम इसको ट्रायंगल शेप में बना रहे हैं छोटे छोटे। स्क्वायर शेप में बनाएंगे हम छोटे छोटे। ये बाइट साइज बन गया है और हम इसको अवन में बेक करेंगे। ये हमारे बेक्ड नमक पारे रेडी होंगे। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, फ्लावर शेप, राउंड शेप, कोई भी छोटे छोटे बाइट साइज पीसेस आप बना ले। और एक बार बीच में खोल के मैं इसमें घी का ब्रश लगा दूं। जब ये थोड़े से पक जाएंगे तब मैं इसके ऊपर से घी का ब्रश लगाऊंगा। आज हम बना रहे हैं नमक पारे विद ओरिगैनो फ्लेवर या मिक्स्ड हर्ब फ्लेवर। नमक पारे बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं। आपको मैं दिखाऊं, बहुत अच्छे गोल्डन सिक गए हैं ये, और इसको मैं निकाल दूंगी। टिश्यू पेपर लिया है और जितना भी एक्सेस ऑयल है फेस्टिवल टाइम है, घर पर ही दिवाली या कोई भी फेस्टिवल के टाइम आप ये सब चीजें प्री प्रेप करके रख सकते हैं। और ओरिगैनो फ्लेवर की है तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी लगेगी आप जिनको भी सर्व करेंगे। तो इसके ऊपर थोड़ा और मैं ओरिगैनो का मसाला डाल दूंगी और फिर इस तरीके से हम इसको जार में फिल करके रख देंगे। तो यहाँ हम सर्व कर देते हैं बोल में। क्लोजर लुक। तो यहाँ कितने टेस्टी नमक पारे हमारे घर में रेडी हुए हैं। तो आप लोग भी बनाएं और बताएं कि कैसे बने आप घर में। हेलो रमेश जी, हेलो निधि, हेलो हेलो सुजीत। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। हेलो शालिनी जी, बालूशाही सिखाइए माँ। ओके, जरूर बालूशाही की रेसिपी भी लाएंगे। मैं डायरी में नोट डाउन करती जा रही हूँ कि कौन कौन सी रेसिपीज अभी और आ रही हैं। बालूशाही, ओके। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू अमर फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। हम फिर मिलेंगे मंडे को एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा HEENAVALECH। एंड डू ट्राई एंड लेट मी नो कि आपकी ये जो मैंने नमक पारे की रेसिपी बनाई थी वो कैसी बनी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। और जो हम एयर फ्रायर में बना रहे हैं वो भी सेम ऐसे ही बनेंगे, लेकिन अभी बनाने में हमें समय लगेगा। इसको 20 मिनट्स और लगेंगे। अब हाफ कुक ये हो गए हैं, अब देखेंगे
अब मैं इसको एक बार बीच में ब्रश ऑयल घी का ब्रश लगा दूंगी और उसके बाद फिर से हम इसको थोड़ी देर और कुक होने देंगे। 180 डिग्री पर इसको हम 15 से 20 मिनट तक आराम से कुक होने देंगे कि जब तक वो बिल्कुल गोल्डन कलर और क्रंची ना हो जाए। सो एयर फ्रायर में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन आप लोग जरूर बनाएं और बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। अगर आपको नो फ्राई का ऑप्शन करना है तो आप जरूर उसको इन जो नमक पा रहे हैं उनको आप बेक करके ओवन में बना सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड गुड इवनिंग, जस्ट एंड द सेशन।